कोरोना महामारी में जहां एक तरफ कारोबार की बंदी ने लोगों का बजट बिगाड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग चोरी की वारदातों ने भी लोगों की नींद हराम कर दी है। बीती रात बांदा शहर के गुलर नाका निवासी मोहम्मद अजीम के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब परिवार सो के उठा तो देखा कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। जब अलमारी खुली पड़ी है, जेवर की डिब्बियाँ बेड में पड़ी हैं, यह देखकर घर के लोग होश उड़ गए। जल्दी जल्दी पूरी अलमारी देखी गई तो वहाँ से सारे जेवर पैसे गायब। मोहम्मद अजीम ने बताया कि लगभग 2-3 लाख के जेवर और 90,000 रुपये नगद चोरी हो गए हैं। तब पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। अजीम साहब कहाँ रहते हैं आप? गुलर नाका बांदा जल संस्थान कार्यालय के पास। आज आपके घर पे क्या घटना हुई है? चोरी हुई है रात में, जिस कमरे में आप खड़े हैं इसी कमरे में। परिवार उस वक्त क्या कर रहा था? हम लोग सब अपने जो है अलग अलग कमरे में सो रहे थे सब लोग। क्या किसी को पता नहीं चला चोरी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं और ना कोई आहट लगी। कितने की चोरी हुई होगी? लगभग मेरे अंदाज से 2-3 लाख के बीच के तो जो है कितने ज्वेलरी है, उसमें हार हैं, अंगूठी हैं, पायल हैं, बाली हैं, झुमकी हैं, इस तरह का सामान है। कुछ कैश भी है? जी, कैश 90,000 रुपया। पुलिस को सूचना दे दी है? जी, मैंने 112 नंबर पर डायल किया था, वो भी आए थे। मर्दन नाका चौकी का एरिया लगता है, तो मैंने वहाँ भी सूचना दी थी, तो वहाँ से भी आए हैं।